लो सुनो, मालती चौहान को किस किस ने मारा। मालती चौहान ये कल ही अपने मायके से यहाँ पे आए अपने पत्नी विष्णुराज के साथ, और सुबह इनकी सूचना आई कि इनकी मौत हो गई है। जिस सूचना तो फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया, पूरी जांच पड़ताल की गई है। मालती के पिता तहरीर बेरन उसके पति विष्णुराज के खिलाफ दिए उन्होंने हत्या कर देने का आरोप लगाया है। लड़कियां भावना बह जाती है। और रही बात मालती चौहान की, मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रही, संसार छोड़ के चली गई है, ऐसा मीडिया में दिखाया जा रहा है। अब क्या सच है क्या गलत है, क्योंकि ये लोग बार बार उसके मरने का वीडियो भी बनाते थे, यहाँ तक कि उसके पूरे बॉडी को खोल खोल के उसके पति विष्णुराज ने खुद दिखाया। मतलब उसको पूरी तरह से अश्लीलता में उसको पूरा ढकेलने वाला उसका पति स्वयं का है, स्वयं का पति ने उसको मायके गई, मायके से उसको बुलाया, पहले उसके बच्चे को छीन के लाया, फिर बाद में उसको लेकर के आया और उसको मौत के घाट में उतार दिया। अभी ये कहना मीडिया में ऐसा दिखाई दे रहा है। अब क्या सच है क्या झूठ है, ये आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता चलेगा तो आप बताइए, क्योंकि मैं तो बहुत ही दूर रहती हूँ उनसे, मैं मुंबई में रहती हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ दिन पहले मुझे ये वीडियो आई थी सामने, मालती चौहान रो रही थी और कोर्ट के सामने जाकर के कह रही थी कि मेरा साथ न्याय किया जाए ऐसा वैसा, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, तो मैंने उस बीच में वीडियो डाला। अगर पति है तो पति की हद में रहे ना, क्यों हद तक पार करते हो, क्योंकि तुम्हारी बेटी अगर पैदा होती तो क्या तुम ऐसे ही करोगे। वो भी किसी की बेटी थी, आपने उसको प्यार से लाया था, शादी ब्याह जैसे भी किया, एक तो पहली बीवी आपसे संभली नहीं थी, हमने दूसरी लाया, आप उसकी भी औकात के बाहर थे, आप इसकी भी औकात के बाहर आए। क्योंकि लड़कियाँ अगर कहते हैं लड़कियाँ पहले तो घूंघट पर रहती है या कमरे में चार दीवारी कैद रहती है, जब औरतों को आप खुद बिना कपड़े के करते हैं, रोड पे लाते हैं उनको कमाने के लिए, चाहे कैसे भी करके, फिर आप खुद ही लांछन लगाते हैं, अरे ये तो उसके साथ गई थी, ये तो अपने बॉस के साथ गई थी, ये तो वहाँ गई थी, ये तो फलाना गई थी, ये तो ढमका गई थी। जब पैसा आता है ना तब तुम लोग नहीं पूछते हो, पहले तो तुम लोग को नौकरी वाली लड़की चाहिए, दूसरा अगर लड़की नौकरी नहीं करते उसको सोशल मीडिया में पूरा बिना कपड़े का कर देते हो, उसके बाद में उसको सब कुछ दिखाने लगते हो। जब वो लड़की अच्छे से नाम कमा लेती है सब कुछ करने में, तो तुम लोग को हाय लग जाती है, कैसा सारा पैसा उसे छीनने लगता, मैं तो उसकी ख्वाहिश पूरा कर रहा हूँ। अरे जब वो पैसे वो अपने असली पूरी वीडियो बॉडी को दिखा करके कर रही है, यानी पूरी शरीर दिखा करके कर रही है, तो दे दो ना, उसका ही पैसा है ना। फिर भी नहीं, इनको तसल्ली नहीं है, ये हड़पने लगते हो, उसे मारा मारी करने लगते हो, उसे उसके साथ में गलत व्यवहार करते हैं। अभी उसको आज जान से मार दिया, कल ही परसों वीडियो डाली थी कि मेरी जान को खतरा है और मुझे मेरे हिसाब से उसको मार दिया जाएगा मुझे, लेकिन ये बात सच आ गई सामने। उसके कुछ दिन पहले श्रीदेवी मैम का भी ऐसा ही हुआ था, श्रीदेवी मैम को भी दुख था, और श्रीदेवी मैम को मैंने अपने आँख से देखा था, उनको विनोद खन्ना जी की पुण्यतिथि में वो आई हुई थी और उनको भी बहुत तकलीफ थी, उसके बाद उनकी भी डेथ हो गई, 10 से 5 दिन में, हफ्ता ही भर बीता रहा होगा उनकी, वो ऑफ हो गई। तो दुनिया ऐसे ही है, जब पहले तो पैसा नहीं कमाती लड़कियां तो उनको पूरी तरह से अपने कब्जे में करते हैं, जब लड़कियां को देखते हैं पैसा कमाने के बाद लड़कियां कब्जे से बाहर जाने के बाद उनको मौत के घाट उतार देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, किस किस का नाम लिया जाए, किस किस को कहा जाए, इस संसार में सब बदतमीज है, सब स्टूपिड है। पहले लड़की के कोख से जन्म लेते हैं, फिर लड़की के दूध पीते हैं, फिर लड़की की ही पूरी बॉडी शरीर को दिखाते हैं, फिर लड़की को ही मौत के घाट उतार देते हैं जब इनकी पूरी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। तो ऐसे मर्दों को आप क्यों जन्म देती हो, हम तो कहते हैं इन औरतों को मर्दों को जन्म देना ही नहीं चाहिए, ये संसार में मर्द को लाती है, फिर मर्द ही इनके साथ गलत करते हैं। अब देख लो विष्णु, मुझे तो कहती है ऐसे लोगों के साथ शादी भी नहीं करना चाहिए, अब दूर हो जाओ लड़कियाँ। लेकिन क्या करें, लड़कियाँ पहले तो अपनी इज्जत पतियों के चक्कर में खोल देती हैं, उसके बाद में वो दुख की मुसीबत लेती, जब पैसा कमा लेती तो वो इसी तरह मौत की घाट उतार दी जाती है। मुझे बहुत दुख है कि ये मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रही, खासकर उसका बच्चा, बड़े मुश्किल से उसने बच्चे को जन्म दिया, कुछ दिन पहले वो बच्चे के लिए पैसे के लिए रो रही थी कि मुझे पैसा सरकार दे रही है फिर भी मेरा पति नहीं दे रहा है, बड़े मुश्किल से होशियारी में उसने खाता वाता ज्वाइन किया क्योंकि उसको मालूम चल गया था मुझे पैसा मिलेगा। मैं तो कहती कड़ी से कड़ी कार्रवाई मेरे तरफ से मैं कह रही हूँ, अगर आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि विष्णुराज के पूरे खानदान को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और पहली बात, जो इसका पैसा जितना भी अकाउंट में यूट्यूब से है या कहीं भी सोशल मीडिया में, अगर सच में मालती चौहान इस दुनिया में नहीं है तो इसका सारा प्रॉपर्टी इसकी जब्त हो जानी चाहिए, पैसा इसका जब्त होना चाहिए, यहाँ तक कि मालती चौहान का भी। अब मालती चौहान रही नहीं तो पैसा लगी क्या करेगी, वो तो खत्म हो गई ना, और सारा प्रॉपर्टी जो इसकी घर है, जमीन है, जगह है, सब उसको सरकार कब्जे में ले ले और किसी ऐसी लड़की को दे जो कि वो सच में तकलीफ में हो। ऐसा मत हरकतें करें, ये लोग इतना घिनौना हरकतें कर रहे हैं। मुझे सुबह मैं जब से वीडियो सुनी ना 2-4 घंटे मैं परेशान हो गई, मैं सोच रही हूँ वीडियो डालूं, लोग तो कह रहे हैं मेरे को अरे सरिता जी आपने डाला नहीं वीडियो, तो मैं पहले खुद ही शौक थी कि यार ऐसा हो सकता है क्या लड़की के बारे में, क्योंकि लड़की अभी 2 दिन पहले खुद औरत चिल्ला रही थी भैया मैं मार दी जाऊँगी, अंत में उसको मार दिया। ऐसा क्यों करते हो, अरे उससे पैसा, उसके पहले तो उससे जिस्म लेते हो फिर पैसा लेते हो, अब उसकी ज़िंदगी भी ले लिया तुम लोगों ने।
हद है यार तुम लोगों के, मर्द जात के नाम पे तुम लोग कलंक हो, थू है तुम सबकी जिंदगी पे। अगर कोई इसके साथ ना दिया तो मैं कहती हूँ कि मर्द जाति पे पूरा गाली है एक तरीके से, क्योंकि एक महिला चाहे जैसे भी तैसे पहले कितनी गरीबी में थी, जिस महिला ने कुर्ते में कपड़े में उसने अपनी जिंदगी गुजारी, आज वो इस समय पैसे कमाई यूट्यूब से, कार खरीद के इसको दिया, आखिर में कार दिया ना, आखिर में खरीद के तो कहाँ से दिया, अपनी शरीर दिखा करके ही दिया था उसने। लोग तो मालती चौहान को गाली दे रहे थे, मालती चौहान खराब है, कपड़े उतार रही है, कपड़े वो नहीं उतार रही थी, कपड़े उसका पति उतार रहा था उसको, बिना कपड़े बिना निर्वस्त्र उसका पति कर रहा था, क्योंकि पैसा अगर कमा के खिलाता तो क्यों रोड पे आती, क्यों बिना कपड़े करती, सारी हरकतें ये इसी पति का है। और जब वो देने से इनकार करने लगी, पैसा मना करने लगी, तो आज उसको मौत के घाट उतार दिया। तो बस मेरी यही है कि भगवान उसकी आत्मा को, अगर वो नहीं है संसार में, क्योंकि कभी कभी लोग झूठी भी वीडियो बना देते हैं, अगर वो सच में नहीं है तो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, और मैं चाहूँगी इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मेरे तरफ से मिले, और बाकी सरकार तो उसको देगी और आप लोग इसको कड़ी की सी कड़ी सज़ा इसको विष्णुराज चौहान को ज़रूर दीजिए, जिससे अगर मालती चौहान सच में इस दुनिया में नहीं है तो उसकी आत्मा को शांति मिले।